हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीआर स्टडी। बच्चों, इस क्लास को पूरा एंड तक देखना और बड़े ही प्यार से देखना। कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास का टाइम है प्रत्येक दोपहर 2 बजे से, है ना। आ गए हैं सभी, शुरू करा जाए। एक्सरसाइज 5.2 चलेगा आपका। कौन सा? प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। कह रहा कि किसी एपी के चौथे और आठवें पद का जो योगफल है वो 24 है, और उसके छठवें और दसवें पद का जो योगफल है वो 44 है। तो इस एपी का आपको 3 पद ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। देखो बच्चा, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सर्वांतर पता होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो। चलिए हम वही करते हैं। अब हम लिखेंगे दिया है। देखो इसमें दिया क्या है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा कि चौथे और आठवें पद का योगफल 24 है, तो मैंने A4 और A8 बराबर क्या कर लिया, 24। इसी तरह से बच्चा, ये छठवां और दसवां पद जोड़ोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएंगे, वहां से ए और डी का मान आ जाएगा। इस तरह से श्रेणी के कितने भी पद निकाल सकते हो, ठीक है। तो चौथे पद देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, फिर मैं वहां रखूंगा। देखो बच्चा, चौथे पद का मान तो नहीं दिया हमें, लेकिन हमें चौथा पद दिया है। यानी ये जो फार्मूला होता है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना, ये फार्मूला होता है ना, यहाँ पे एन होता है ना बच्चा, होता ना बाबू। तो इसमें एन का वैल्यू तो हमें नहीं दिया, लेकिन हमें एन का वैल्यू दिया, कुल मिला के ऐसे दिया है A4, यानी n का मान दिया, an का नहीं दिया। तो a प्लस ये n की जगह पे आप 4 रखोगे तो ये 4-1 × d, फाइनल में a+3d आएगा। मतलब आप समझ पाए ना, तो A4 का मान हम कितना रखेंगे क्या, a+3d। हाँ, A4 की जगह पे क्या रखेंगे, a+3d। क्या आप डायरेक्ट भी रख सकते। इसी तरह से बच्चा, जब तुम इसके 8 के साथ में करोगे तो a+7d आएगा और बराबर ये 24। इतना कर लोगे इसमें कोई परेशानी नहीं। ये a और a जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2a 7d, और ये 3d हो जाएगा 10d बराबर 24। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे हुआ यहाँ से समझ, इसी तरह के ये 7d भी इसी तरह से आएगा। अब देखो बच्चा, ये पहली कंडीशन थी बाबू कि इनके जो चौथे और इनके आठवें पद का योगफल था 24 था। दूसरी कंडीशन है छठवें और दसवें पद का, तो आप नीचे लिखोगे इसी प्रकार प्रकार लिख लेना, ठीक है। इसी प्रकार a6+a10=44, इनके मान भी इसी तरह से आप रख दोगे जैसे अभी हमने A4 का वैल्यू निकाला था, यहाँ दिखाया था। तो ये बच्चा आ जाएगा आपका a+5d आएगा, +a+9d आएगा, =44। ये निकालना मैंने अभी सिखा दिया, आप जान गए हो, इसमें कुछ बताना नहीं है, है ना, जान गए हो ना भैया ना बाबू। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं लग रहा, ठीक है। अब a जुड़ेगा 2a, 9-5 जुड़ेगा 14d बराबर 40। क्वेश्चन नंबर ठीक है। समीकरण 1 और 2 की सहायता से आप इन्हें हल कर डालो फटाफट और फिर मुझे बताना। चलो देखो, समीकरण 1 और 2 से, एक हुआ 2 से, नीचे में दोनों इक्वेशन अभी जगह है उतना, हो जाएगा 10d = 20, हो जाएगा आपका 2+4=40। ऐसा कुछ करिए कि इसमें डी वाला पद या फिर ए वाला पद कट जाए। आपको पता है, आपने समीकरण पढ़ा है कक्षा 9-8 में, मैंने पढ़ाया है, तो दोनों को घटा देंगे। जब घटाते हैं समीकरण तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। ये दोनों घटेगा बेटा तो ये आ जाएगा आपका -4d = -20। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, हाँ पूरा दिख जाएगा। चलो -4d = -20। तो यहाँ से बच्चा, नीचे हमारे में जगह नहीं इसलिए बगल में कर ले रहा हूँ, आप जब d का मान निकालोगे -20/-4, हम कह सकते हैं का मान 5 आएगा। इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इतना कर लिए, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे, देखो हमारे में जगह नहीं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप समझ लो, पहले इतना लगा लेना ऐसे सीधा सीधा, फिर यहाँ आ जाना। अब यहाँ पे आप लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लेना लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, तो 2a plus
ये आपका 10D बराबर 24, ये समीकरण एक था। तो D का मान रख दो भैया, 5 आया बाबू, 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24, ठीक है, ये हो जाएगा 2A बराबर ये 24 माइनस 50, क्योंकि ये 50 जो है भाई गुणा होगा 50 हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ए बराबर निकालोगे इसमें से घटाओगे माइनस का 26 आएगा, बटा क्या आएगा 2, तो क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 2 है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, फाइनल में आएगा माइनस का 13। ये हमें ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, आप श्रेणी कंप्लीट हो गई, सामने से हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया डन। चलिए अब देखिए, अब लिखो अतः श्रेणी के 3 पद बराबर, अतः श्रेणी के 3 पद बराबर, देखो समझो मतलब फाइनल में आप लिखोगे क्योंकि यही पूछा था, श्रेणी का 3 पद पूछा था, अतः श्रेणी के 3 पद बराबर, देखो बच्चा प्रथम पद क्या आया भाई, ए प्रथम पद होता है, माइनस का 13 आया है और डी का मान 5 आया है, तो बेटा दूसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 13 धन 5 माइनस 8 आएगा, हो गया। तीसरा पद क्या आएगा, इसमें अगला फिर से सर्वांतर जुड़ेगा, माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा माइनस का 3, अगर अगला पद भी बोल रहा है क्या और फिर घटा लो आएगा क्या होगा भाई, इसके आगे का भी पद बोल रहा है तो माइनस का 3 आया है, धन का 5 करो, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है, 2 आ जाएगा, प्लस में चला, 3 पद बोला था मैंने, 4 निकाल दिया, इसके आगे और भी ऐसे निकाल सकते हो, अगला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया समझ में आया ना, ये फाइनल आंसर हो गया आपका, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 केवल इतना। हाँ तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ क्लास को लाइक करना जिससे कि आपको अगली क्लास भी मिल, कोई प्रकार की हेल्प चाहिए उस पर कॉन्टेक्ट करिए। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि तरह से हम एक ही क्लास में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दें, एक एक दो दो घंटे का लाइव पढ़ें, तो आप PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज ही कोर्स इनरोल कर सकते हो और उसमें आपको पूरा फुल सलूशन एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे लाइव चलाने वाले हैं बस थोड़ा ही दिन में, अगर आप क्लास के बारे में कोई इंक्वायरी चाहते हो तो दिखाया गया उस पर आप कॉन्टेक्ट कर, व्हाट्सएप करना, मैसेज सिर्फ फोन कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करते हैं, फिर बहुत बहुत क्लास का टाइम दोपहर 2 बजे 8 बजे, आप कमेंट करके बताना किस टाइम पे पढ़ाया जाए जब आप लाइव